हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करी थी मेरे साथ, आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई है आपको फिर भी कोई डाउट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इस वीडियो में हम और भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, और मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। आज भी हम थोड़े में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हम उसे सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट्स में उनका सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए, मैं अपनी फाइल ओपन करता हूं और जब तक आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दिस इज माय फाइल गाइस। ओके, अब आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है। ओके, क्या राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यू लाइंस एंड स्पेस प्रेजेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग। की भाई एक स्ट्रिंग है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ न्यू लाइंस मतलब उसमें नई लाइन कैरेक्टर कितने हैं, ओके, एंड स्पेस कितने हैं स्ट्रिंग में टोटल। ओके, तो ये मुझे पता लगाना है, गॉट इट। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, तो ये रही मेरी स्ट्रिंग। मैंने पहले से एक स्ट्रिंग बना रखी है, ये देखिए यहाँ पर मेरी एक स्ट्रिंग है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ट्रिपल कोट्स में इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर्स भी चाहिए थे, तो मैंने इसी वजह से ट्रिपल स्ट्रिंग, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पे। और आपको पता है ट्रिपल कोट हम इसी के लिए मेनली यूज करते हैं। अब मैं इस लॉजिक लिखने जा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, एक चीज और इसमें ऐड कर लो, चलो क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑल्सो फाइंड कैरेक्टर्स, टोटल कैरेक्टर्स कि भाई कैरेक्टर कितने हैं। तो देखो सब कुछ निकल जाएगा। अगर आप ना नहीं चाहते हो कि कैरेक्टर निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या तीन चीजें निकालनी है मुझे, स्पेस, न्यू लाइन और कैरेक्टर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर तीन काउंटर बना दिया, एस फॉर स्पेस, एन फॉर न्यू लाइन एंड सी फॉर कैरेक्टर। इनिशियली मैंने सब कुछ जीरो कर दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर आई इन डेटा, इटरेट कराऊंगा हर एक एलिमेंट को। वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा। फिर बोल रहा हूं मैं, इफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, अगर आई आपका स्पेस हुआ, आप यहाँ पे इज स्पेस वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो, तो आपको स्पेस को प्लस वन कर देना है, वही चीज जो हमने पहले करी थी। इफ आई इक्वल इक्वल न्यू लाइन, ये होती है आपकी न्यू लाइन। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप जाके पाइथन की स्केप सीक्वेंस वाला वीडियो पढ़िए, बेसिक पाइथन में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने न्यू लाइन को वन प्लस कर दिया और एट लास्ट क्या बचा आपका, एल इफ I plus is alpha, okay? I plus is alpha. Guys, यहाँ पर मैंने else इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं else लगाता तो उसमें अगर कोई यहाँ पर एक alphabet होता, sorry एक digit होता तो वो भी count हो जाता। अगर मैं बीच में कोई digit दे देता या फिर यहाँ पर मैंने देखो full stop दे रखा है तो full stop भी count हो जाता अगर मैं else में सारा data pass कर देता। Like मैं suppose करो ऐसे कर देता, मैं करके बता देता हूँ आपको। मैंने लिख देता else कि मतलब इन दोनों के अलावा जो भी बचा है उसे c में प्लस कर दो क्योंकि मुझे लगता है क्या कि चलो कैरेक्टर ही बचे होंगे। ओके, तो क्या होता, और अब जो अगर मैं एलिफ लगाऊंगा तब क्या होगा। तो आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि हमने इस जैसा पहला एक्सरसाइज करी भी है पहले। और ये मैंने यहाँ पर इन्हें प्रिंट करा दिया, एस फॉर स्पेस, एन फॉर न्यू लाइन एंड सी फॉर कैरेक्टर। तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, देखते हैं मेरे पास टोटल आउटपुट क्या आता है। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना है यहाँ पर, 104, चार न्यू लाइन कैरेक्टर और टोटल कैरेक्टर्स कितने, 132 कैरेक्टर्स हैं। ओके, डेटा में अगर, और अगर मैं यहां पर एक चीज और प्रिंट कराऊं कि भाई ये चीज सही है या नहीं है, तो प्रिंट सिंपल एक चीज है मुझे, टोटल, टोटल निकालने के लिए मतलब टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डेटा। अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट से जाएगा, टोटल 240 है। यहां पर मेरे पास कितना आया, 104 प्लस 4 प्लस 132, तो देखो 240 सही आ रहा है। बट अगर आप यहां पर देखोगे तो फुल स्टॉप आपका क्या, कोई अल्फाबेट नहीं है, ये दो फुल स्टॉप मैंने यूज करे हैं यहाँ पर, ये कोई आपकी क्या कैरेक्ट अल्फाबेट नहीं है, तो वो एल्स में, इस वजह से ये एल्स में आ रहा है। मतलब इन दोनों स्पेस के अलावा और न्यू लाइन के अलावा, इन्हें छोड़ के जितना भी डेटा है वो सारा किसमें, कैरेक्टर्स में पास हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो सिर्फ कैरेक्टर्स ही काउंट करने की, कैरेक्टर्स कितने हैं, इसीलिए मैंने एलिफ लगाया। क्यों, क्योंकि एलिफ में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, एल्स में नहीं लगा सकता। मैंने बोला इज अल्फा, अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो करेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इज अल्फा को मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया है। अब सिर्फ अल्फाबेट क्या, अगर अल्फाबेट होगा तो ही मेरा सी प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखते हैं, ओके क्या बोल रहा है ये, एस टी आर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अल्फा, ओके अल्फा नहीं होता तो इज अल्फा होता है।
आई डॉट इज अल्फा, अब देखते हैं, गॉट इट। तो देखो अभी भी क्या है, एक सेकेंड गाइस, ओके डन। तो देखो क्या है, टोटल 240 है, बट अब अगर हमें प्लस करूंगा 104 प्लस 4 प्लस 130, तो देखो 138 आ रहे हैं। मतलब अब मेरे जो ये दो फुल स्टॉप है वो एक्सक्लूड हो गए। किसकी है वजह से? आपके एलिफ की वजह से, इज अल्फा की वजह से। आपके जो दो क्या थे कॉमा, ये फुल स्टॉप थे, ये क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। सो दिस इज योर सिंपल लॉजिक। ओके, तो अभी के लिए चलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ आपके कोड को, और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है हमें। गाइज ये एक्सरसाइजेज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को चीजें उतनी ज्यादा समझ में आएगी, बिकॉज प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है लाइक मैथ्स। ओके, जितना आप करोगे उतने ही ज्यादा आपके लॉजिक्स क्लियर होते जाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ सिंगल लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। चलिए, जैसे मैंने प्रोग्राम आपको कराया भी था, ओके आई होप आपको क्लियर होगा, बट तब मैंने आपको अलग अलग कराया था। यहाँ पर मैं आपको एक ही में दोनों चीज निकालने बताऊंगा। तो मैंने क्या करा, एक एल मतलब स्मॉल और एस मतलब सॉरी एल मतलब लार्जेस्ट और एस मतलब स्मॉल। मतलब बोलने का रीजन मोटिव क्या है मेरा, कि मैंने दोनों में इनिशियल वैल्यू ले ली। यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, आप सबसे यहाँ पर ले लो, आप सपोज करो 10 ले लो, चलो मैंने 0 ले रखा, तो शायद आपको डाउट हो। अब क्या होगा, यहाँ पर डेटा 0 मतलब ये वाला एलिमेंट दोनों में क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं लॉजिक लगाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से देखिए, फॉर आई इन डेटा इटरेट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं इफ, ओके इफ आई इज ग्रेटर देन, अगर आई जो भी है आई की वैल्यू है ये किससे बड़ा होगा, लार्जेस्ट से, तो क्या होना है, सिंपल स्वैप करा दो व्हाट एल इक्वल्स टू आई। ओके, मतलब अगर आई में जो इनिशियल वैल्यू है उससे बड़ी होगी ये वाली वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू से बड़ी होगी। अभी 10 है इसमें इनिशियली, और आई इसे ट्रेड कराएगा, अगर आई में 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू आती है तो ये क्या करेगा, उसे स्वैप कर देगा। मतलब अब आपके एल में वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो सबसे बड़ी होगी। ओके, उस टाइम तक, उसके बाद एलिफ एस, ओके आई इज स्मॉलर देन, ओके क्या बोल रहा हूँ, आई इज स्मॉलर देन किससे, एस। अगर ऐसा होता है मतलब आई की कोई भी वैल्यू इससे छोटी होती है, जो अभी इनिशियली किसमें पड़ी है, एस में पड़ी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आई। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक इंडिविजुअल खड़ा कर दिया और मैं उससे आप लोगों की हाइट को कंपेयर करा रहा हूँ, मैं वही एग्जांपल दूंगा। ओके, मैंने उसे रेफरेंस ले लिया है। अब अगर क्या होता है, मैंने मान लिया कि ये क्लास में सबसे लंबा बच्चा है, अब मैं इससे सबको कंपेयर कर रहा हूँ कि हाँ इससे सब छोटे हैं, छोटे हैं तो सबसे लंबा यही है, बट कोई ऐसा आ गया जो उससे भी लंबा है, तो मैंने क्या करा, अब उसे रिप्लेस करके जो सबसे लंबा था उसे खड़ा कर दिया, फिर मैंने कंपैरिजन शुरू करा। ओके, अब मैं कर रहा हूँ सबको कंपेयर, बट अब उससे भी लंबा कोई आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, करूंगा उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, और सेम फॉर स्मॉल वन। ओके, कि अब मैं स्मॉल के लिए कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये सबसे छोटा है, अगर उससे छोटा कोई आया तो मैं उस वाले को हटा के अब इसे खड़ा कर दूंगा वहां पे। तो बस सेम चीज कर रहा है, मैंने बुला रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ, अगर मेरी रिजल्ट फॉल्स हो रहा है तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं प्रिंट कराता हूँ अपना वैल्यू, तो देखते हैं। बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, क्योंकि बिल्ड ऐसा ही होता है, आपको इस बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये मेरी लिस्ट है, और जब मैंने इसे प्रिंट कराया तो उस लिस्ट में जिसका नाम क्या था, डेटा, सबसे बड़ा नंबर 75 है, सबसे छोटा नंबर क्या है, -5 है। आप चाहो तो इसे चेंज भी करके देख सकते हो, इट्स अप टू यू। आगे देखते हैं गाइस, दिस इज माय डेमो फाइल। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड नाउ राइट अ प्रोग्राम फाइंड, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है गाइस, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इंडेक्स ऑफ एनी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। ओके, अब ये एनी का मतलब क्या है, यहाँ पर एनी का मतलब है कि आपने एक स्ट्रिंग बनाई। ओके, आपने क्या करा, यूजर से एक स्ट्रिंग ली, गॉट इट, क्या बोल रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ करते चलते हैं। यूजर से क्या करी, एक स्ट्रिंग ले ली, दिस इज द स्ट्रिंग यूजर ने डाला। अब आप यूजर से बोल रहे हो कि यार, यूजर ने बोला कि मुझे ना एक कैरेक्टर एंटर करूंगा, अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में होगा, तो
तो मुझे क्या बता देगा, क्या उसका इंडेक्स वैल्यू, समझो क्या कैरेक्टर बोल रहा हूँ, अल्फाबेट नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने लिखा कैर विच इज इक्वल टू, मैं यूजर से कैरेक्टर इनपुट लूंगा, यूजर भाई यूजर एंटर करेगा तभी तो चेक करूंगा, तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मुझे लॉजिक ये बिल्ड करना है, अगर यूजर ने क्या कर दिया इसमें, सपोज करो स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग मतलब मोर देन वन कैरेक्टर, ओके, तो मैं सबसे पहले उसके लिए लॉजिक चेक कर दूंगा। मैंने बोला इफ लेंथ ऑफ कैरेक्टर, मेरे पास एक यही तरीका है, इफ लेंथ ऑफ कैरेक्टर इक्वल इक्वल वन, अगर वन से बड़ा है तो, अगर वन से बड़ा है तो क्या हो जाए आपका, समझो इफ लेंथ ऑफ कैरेक्टर इक्वल इक्वल वन, अगर वन है तो, अगर वन से बड़ा है तो क्या करूंगा, पहले प्रिंट करा दूंगा, मतलब अगर इफ मेरा फॉल्स होता है तो क्या होगा, प्लीज एंटर वैलिड डेटा, ओके, अगर वन से बड़ा है तो, पहले हम ये फॉल्स वाली कंडीशन लिख देते हैं, अगर वन से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, या छोटा भी है वन से तो क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड कैरेक्टर। इसके बाद क्या बोल रहा हूं, अगर वन है तो, मतलब उसने सिंपल एक कैरेक्टर एंटर करा तो बस क्या चेक करना है मुझे, प्रिंट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स फॉर, आप एक मैसेज लिख लो, मैं बोल रहा हूं इंडेक्स फॉर कैर, जो भी कैर होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा, इज डेटा डॉट इंडेक्स, डेटा डॉट इंडेक्स वर्ड गाइस, यहां पर क्या पास करूंगा मैं, जो यूजर ने यहां पर कैरेक्टर एंटर करा है, डेटा डॉट इंडेक्स कैर, फिर से देख लो एक बार, समझा देता हूं मैं आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स फॉर कैर मतलब अगर लेंथ जो भी डाला उसकी लेंथ एग्जैक्टली वन होगी तब मेरा ये लॉजिक चलेगा, अगर वन से कम होगी ज्यादा होगी तो सीधा मेरा प्रोग्राम एल्स में जाएगा। और इसमें भी क्या चलेगा, मैंने इंडेक्स फंक्शन यूज करा है, जो स्ट्रिंग का पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि जो डेटा में इंडेक्स दे दो उस कैरेक्टर का, तो भाई देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर दो कॉमा लग गए, माई मिस्टेक, सिंटैक्स एरर, फिर से देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर डाला आस्क इट लाउड, ओके, ये है मेरी स्ट्रिंग। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर से ज्यादा डाला, तो अभी मेरा क्या चलेगा, एल्स, क्या चलेगा, एल्स, क्यों, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर से ज्यादा एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर एंटर करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फिर से आस्क इट लाउड डाल दिया, और अब मैं एस का कैरेक्टर चेक करूं कि भाई एस ऐसे कैरेक्टर है, बताओ उसका इंडेक्स क्या है, तो देखो 0 1 1 उसका क्या है, इंडेक्स है, सही काम कर रहा है। ओके, फिर से ऑपरेट कराता हूं, अब की आस्क इट लाउड फिर से देखते हैं, और इस बार मैं डाल दूंगा जेड, ओके, तो ओके एक सेकेंड, ठीक है, बस सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब हुआ क्या एक्चुअली, एरर थ्रो करी इसने, गॉट इट, इस एरर को भी आप हैंडल कर सकते हो इजिली, वह आप लोग अपने लेवल पे देखना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इंडेक्स से जैसा एक और फंक्शन होता है आप उसे यूज कर लो। ओके, अब आप पता करो कौन सा फंक्शन होता है, तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, वो माइनस वन थ्रो करके आपको ये बता देगा कि भाई ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या बोल रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब मुझे ये जेड नहीं मिला, तो इसने एरर थ्रो कर दिया। आप लोगों का वर्क क्या है, आप इस एरर को हैंडल करोगे, कुछ ऐसा फंक्शन लगाओ कि जो आपको क्या दे, एक आउटपुट दे दे, कि माइनस वन जो फंक्शन देता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से वो चीज ढूंढ लेना, फंक्शन है स्ट्रिंग का माइनस वन रिटर्न करता है अगर उससे सब स्ट्रिंग नहीं फाइंड होती तो। सो यार फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लस यहाँ पर देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।